कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट लेट्स स्टार्टेड कलर द गिवन पिक्चर यूजिंग अ और पेंसिल टू जॉइन दम बाय ट्रेसिंग डॉट्स इन पिक्चर ए यू गेट अ फ्लॉर इन पिक्चर बी यू हैव फॉर्म अ ग्रुप ऑफ फ्लॉर्स बाय ड्रॉइंग लाइन्स दिस इज कॉल्ड गार्लैंड Similarly, when two or more computers are connected to each other, we call it a computer network. This network is known as internet. बच्चों यहाँ पर आप pictures दे सक, देख सकते हैं, जिसमें A और B दोनों में pictures दिए गए हैं।

कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स विद इच अदर दिस कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू टेलीफोन वायर्स और केबल्स दिस कनेक्शन इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क बच्चों जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब ये होता है कि जब दो या उससे ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो या फिर टेलीफोन वायर्स और केबल्स कनेक्टेड हो उन्हें कहा जाता है इस कनेक्शन को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है अब बच्चों आ जाते हैं इंटरनेट पर इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इंटरनेट इज अ टेक्नोलॉजी बाय विच मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू वन अनदर टू शेयर इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाय द मीन्स ऑफ केबल्स टेलीफोन वायर्स और सम वायरलेस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन easily access the information available from all around the world. With the help of internet, you can send a message or even talk to your friends online, no matter where they are. They only need to have a computer with a internet connection. बच्चों, internet आप सभी जानते हैं कि internet ने किस तरीके से हमें एक दूसरे से जोड़ा है। हम चाहे देश के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनसे आसानी से चैट्स कर सकते हैं वीडियो कॉल्स कर सकते हैं और कंप्यूटर में हम इंटरनेट कनेक्शन को फिट करके ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट से कनेक्टेड होने पर क्या कहा जाता है उसे उसे ऑनलाइन कहा जाता है यूजेज ऑफ इंटरनेट internet is very useful for everyone some of its uses are discussed below you can search any topic and learn more you can send and receive messages using email you can see and talk to people at far off places using chat features you can shop for things through the internet you can listen to music and play games on internet you can read newspapers and get latest updates यू कैन पे योर इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल्स और बुक योर मूवी tickets. बच्चों इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम कई सारी चीजों को एकदम आसानी से कर सकते हैं इंटरनेट कई सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कैसे आप इंटरनेट पर जाके किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं वहां से सीख सकते हैं इंटरनेट पर आप ईमेल से कोई भी मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं और मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं इंटरनेट पर आप एक से अधिक लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं चैट फीचर्स के थ्रू बच्चे इंटरनेट से आप अपने घर के सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं शॉपिंग कर सकते हैं कपड़ों की घर की खरीदारी की इंटरनेट पर आप गेम्स खेल सकते हैं वहाँ पर आपको न्यूज़ और न्यूज से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स मिल सकते हैं और आप इंटरनेट पर इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन जो बिल्स होता है और चाहे आपकी मूवी की टिकट्स होती है वो भी आप वहां पर बुक कर सकते हैं बच्चों अब आ जाते हैं थिंक बॉक्स पर वट वुड बी द ऑपोजिट ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन का ऑपोजिट क्या होगा जरा सोचिए बच्चों चलिए बच्चों अब आ जाते हैं इंस्पिरेशन पर विंटन ग्रे विंट इज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इज मोस्ट ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द इंटरनेट बच्चों क्या आप जानते हैं कि फादर ऑफ द इंटरनेट किन्हीं कहा जाता है विंटन ग्रे को जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं रिक्वायरमेंट फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग थिंग्स अ कंप्यूटर सिस्टम अ टेलीफोन और केबल लाइन और मोबाइल नेटवर्क अ मॉडर्न और नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर अ कंपनी प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्शन आई बच्चों इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है चलिए जानते हैं सबसे पहले एक कंप्यूटर सिस्टम की एक टेलीफोन की केबल लाइन की और मोबाइल नेटवर्क की उसके बाद में आपको एक मॉडर्न की जरूरत पड़ती है जो कि आपको नेटवर्क कार्ड सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर से मिलता है या आपको इसके साथ में एक कंपनी द्वारा जो इंटरनेट कनेक्शन होता है जैसे आई वो प्रोवाइड हो बच्चों अब आ जाते हैं इंटरनेट टर्म्स पर वेबसाइट A website is a collection of related web pages that provides information. It is a, like a book that contains many pages. Each website on the internet has a unique address called URL, that is, Uniform Resource Locator. Some websites that are very popular are www.yahoo.co.in, www.google.com, etc. बच्चों ये सभी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं और बच्चों जो यू है उसका जो फुल फॉर्म है उसे वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बच्चों अगर आपको वेबसाइट के बारे में जानना है तो चलिए उसके बारे में बता देते हैं वेबसाइट वो माध्यम होता है जिसके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं और वेबसाइट को चलाने के लिए हमें यूआरएल एड्रेस की जरूरत होती है अब आ जाते हैं मोटूनो पर Is the first website डॉट कॉम इज द फर्स्ट वेबसाइट एवर जानते हैं डॉट कॉम वो पहला वेबसाइट है जो कि इंटरनेट पर रजिस्टर हुआ था वेब पेज अब इज अ डिजिटल पेज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट पिक्चर वीडियो एंड साउंड बच्चों जो वेब पेज होती है उसे क्या कहते हैं वेब पेज जो कि इंटरनेट की वेबसाइट पर मौजूद होता है और ये एक डिजिटल पेज होता है जहां पर आपको कई सारे इंफॉर्मेशन टेक्स्ट पिक्चर वीडियो साउंड अवेलेबल होते हैं होम पेज जस्ट एज द लिटिल पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ बुक द होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज इट्स इंडेक्स पेज बच्चों जैसे कि एक बुक का जो सबसे पहला पन्ना होता है जो कि छोटा पन्ना होता है उसी तरीके से होम पेज जो होता है वो वेबसाइट का एक सबसे छोटा पेज होता है जिसे इंडेक्स पेज भी कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यू आर एल ईच वेबसाइट ऑन द डब्ल्यू 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 हैज ए यूनिक एड्रेस दिस एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यू आर एल फॉर एग्जाम्पल द यू आर एल डिस्कवरी चैनल वेबसाइट इज एच टी टी पी डब्ल्यू 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 डॉट डिस्कवरी डॉट कॉम

सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन्स आर गूगल बेंग याहू एक्सेट्रा बच्चों जो सर्च इंजन होता है वो एक डिजाइंड इंफॉर्मेशन होता है जिसे क्या कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब बच्चों जो पॉपुलर सर्च इंजन होता है उन्हें क्या कहा जाता है गूगल बिंग और याहू इन्हीं पर जाकर के हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है अब आ जाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू पर वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉमनली नोन एज वेब इट इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स विच गिव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एनिमेशन पिक्चर्स एक्सेट्रा बच्चों जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू है उससे क्या कहा जाता है उसे वेब कहा जाता है और ये एक लार्जेस्ट कलेक्शन है जिस इंटरनेट की वेबसाइट का जहां पर हमें कई सारी चीजें मिलती है जैसे टेक्स्ट एनिमेशन पिक्चर्स एक्सेट्रा अब आ जाते हैं इंस्पिरेशन पर टीम बर्नर्स ली इज इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब बच्चों जो टीम बर्नर्स ली है उन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू को इन्वेंट किया था वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर इट इज यूज टू ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब एंड एक्सेस द वेबसाइट्स पेजेस बाय स्पेसिफाइंग द यूआरएल। टू ओपन एनी वेबसाइट टाइप द एड्रेस ऑफ वेबसाइट यूआरएल इन द एड्रेस बार एंड प्रेस एंटर की सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स आर माइक्रोसॉफ्ट एच ओपेरा मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम एंड सफारी बच्चों जो वेब ब्राउजर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर जाकर के हम चीज़ों को सर्च करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं और इनका जो मोस्ट कॉमनली यूज जो वेब ब्राउज़र्स हैं, जो जिनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है वो कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज है ओपेरा है मोजेला फायरफॉक्स है गूगल क्रोम है, है और सफारी है अब आ जाते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आई एस पी अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट समर आई एस पी आर भारत संचार निगम लिमिटेड बी एस एन एल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एम टी एन एल एयरटेल जियो एक्सेट्रा द आई एस पी एस विल ऑफर यू डिफरेंट इंटरनेट प्लान एंड चार्ज फीस फॉर द सेम बच्चों जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आई एस पी है जो कि एक कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड की जाती है और वो कौन कौन सी है वो है भारत संचार निगम लिमिटेड जिसे बी कहा जाता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जिसे एम कहा जाता है एयरटेल है जियो है ये सभी हमें इंटरनेट मुहैया कराती है बच्चों अब आ जाते हैं डू यू नो क्या आप जानते हैं द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आई एस पी कॉल्ड टेलनेट वॉज कॉइंड इन 1974. बच्चों जो फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आई एस पी है जिन्हें क्या कहा जाता है टेलनेट कॉइंड जो कि 1974 में था एक्टिविटी क्रिटिकल थिंकिंग और लाइब्रेरी पेजेसर दिसप्ट फॉलोइंग बच्चों एक लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स है जिसमें कई सारे बुक्स है कई सारे पेजेस है उन बुक्स में तो चलिए यहाँ पर आपको कंपेयर करना है उसी कॉन्सेप्ट को इंटरनेट से और यहाँ पर आपको मैचेस करने हैं बच्चे इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा अब आ जाते हैं डिसडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पर द इंटरनेट कैन हेल्प

कई सारी लाभकारी चीज़ें प्रदान करता है लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ये कई सारी चीज़ों में हमें नुकसान भी पहुंचाता है कैसे कैसे तो सबसे पहले ये क्या करता है हमारी स्टडी से हमें डिस्ट्रैक्ट करता है भटकाता है हमारी आइज़ पर ये अफेक्ट करता है ख़राब करता है हमारी आँखों को इससे हमें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं ये हमें काफ़ी लेजी बनाता है इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल काफ़ी सावधानी से करना चाहिए अगर हमें कंप्यूटर पर कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तभी हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए चलिए बच्चों अब आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर नेटवर्क इंटरनेट सर्च ब्राउजर वेबसाइट वेब पेज बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर बच्चों आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा